के लिए मैं आया हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है चटनी। यस जी हाँ, चटनी। और ये एकदम पड़ता है बीच साइड, जो पटाया का बीच साइड मेन है सेंटर, उसके सामने जहाँ पे मैकडोनल्ड्स आपको मिलेगा उसके साथ ही चटनी रेस्टोरेंट है रोड के ऊपर ही। अभी बज रहे हैं शाम के 7:15 और मेरे को कुछ स्नैक्स में खाने का था, इसलिए खाना तो अभी नहीं खाऊंगा, वो लेट नाइट ही खाऊंगा। तो स्नैक्स में अभी मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया है आज, फिर पनीर टिक्का पट्टिया में, और देखते हैं कि इनका ज़्यादा बेटर है कि कल भी देसी वालों का ज़्यादा बेटर था। और अभी अपना फूड फिनिश करके मैं निकला हूँ वापस होटल की ओर, एक बार जाके होटल फ्रेश हो लेता हूँ, बिकॉज जब का आया हूँ तब ऐसे ही तब का चल रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे नीचे मैकडी, ऐसे ही रोड किनारे आप चलते रहिए और आपको अलग अलग नज़ारे दिखते रहेंगे। अभी मैं चलता हूँ वॉकिंग स्ट्रीट की ओर। वॉकिंग स्ट्रीट जो मेरे होटल से वो तकरीबन 1.2 किलोमीटर पड़ती है। एंड हे गाइस, हेलो, आई एम अ यूट्यूबर आल्सो। यू आर फ्रॉम फ्रांस? आई एम फ्रेंच यूट्यूबर आल्सो। फ्रांस? फ्रॉम फ्रांस। ऐसे आपको चलते चलते मेरे साइड रोड साइड बार देखेंगे जो अपने ट्रक में ही बार खोले बैठे हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, कॉकटेल, मॉकटेल, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, वोडका, तो इन सभी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो आप सड़क किनारे बैठ के सस्ते में आप अपनी दारू पार्टी कर सकते हैं और अपनी ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं, बजाय किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके आप उनकी एलीट क्लास के लिए पे करें या महंगे रेस्टोरेंट में जाके उनके एम्बियंस के लिए पे करें। तो ये आप सड़क किनारे बैठ के ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। तो सड़कों पे चलते हुए आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्लेसेस आपको मिलेगी। और चलते चलते मेरे को रास्ते में मिले कुछ इंडियन लोग और उनसे बातचीत करते कैसे टाइम निकल गया, आधा घंटा मेरा पता ही नहीं चला। और मेरे पीछे ये जो आप लाइन देख रहे हैं, स्ट्रीट देख रहे हैं, द फुल सेक्शन इज डेडिकेटेड टू बॉयज़। यहाँ पे आपको लड़के मिलेंगे लड़कियों के बजाय, तो किसी को भी जो थाईलैंड है वो निराश नहीं करता, हर एक बंदे का ख्याल रखता है थाईलैंड। और ये जो चल रही हैं टुक टुक मेरे पीछे, ये बहुत चलन में आए पटना में, बिकॉज ये आपको 10 बात में किसी भी जगह से आप चढ़िए और किसी भी जगह आप उतर जाइए, हर एरिया में अलग अलग तरह से ये डिवाइड की गई हैं, तो 10 बात दीजिए और आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं इसमें और कहीं भी उतर सकते हैं। तो ये बहुत कन्वीनियंट वे है एक पटना में ट्रैवल करने का इस टाइम पटना सिटी के अंदर।
फेमस स्ट्रीट इन पत्या, दैट इज वॉकिंग स्ट्रीट। जी हाँ, वॉकिंग स्ट्रीट के बाहर मैं हूँ ट्रेवलिया साहिल और आपका स्वागत करता हूँ पत्या की वन ऑफ द स्ट्रीट विच इज वेरी फेमस फॉर इज अडल्ट नाइट लाइफ और आप बोलिए पार्टी जोन और गला पार्टी, गोगो बार, हर चीज जो है वो आपको इस रीजन में मिलेगी। बस आपको मैंने एक ही चीज बोली थी, आपको अपनी जेब ढीली करनी है और हर चीज़ आपके कदमों के नीचे, तो बस आप पॉकेट में अच्छा खासे थाई बास डालिए और निकलिए वॉकिंग स्ट्रीट का आनंद लेने के लिए, वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा लेने के लिए। देखने के कुछ पैसे नहीं है, लेकिन महसूस करना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो उसके लिए भाई आपको जेब ज़रूर ढीली करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आप ड्रिंक्स अपनी इंजॉय कर सकते हैं, आप शोज इसके अंदर चलते हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए वॉकिंग स्ट्रीट में एंटर करते हैं, आपको बताता हूँ जैसे जैसे हम वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर एंटर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो आपके सामने आती है जिसको आपको वन बाय वन देखने को मिलेगा। तो ये 1 किलोमीटर लंबी लेन, देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बैठी है और पुलिस वालों से मैंने बातचीत की कि आपका यहाँ पे क्या रोल रहता है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तो उनका कहना था कि हम यहाँ पे बैठे हैं लोकल और टूरिस्ट की हेल्प के लिए, इफ इन केस कोई इशू रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वो सॉल्व कर पाए, ना ही टूरिस्ट को प्रॉब्लम आए ना ही किसी लोकल को प्रॉब्लम आए, इसलिए यहाँ पे पुलिस अभी प्रॉपर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं 5-6 लोग बैठे हैं। पहले आई थिंक ये काउंटर नहीं रहता था, लेकिन अभी यहाँ पर पुलिस के कारण आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पुलिस से कॉन्टैक्ट करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। और आपको इतना लाउड म्यूज़िक यहाँ पे मिलेगा, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाओगे म्यूज़िक का टोन अप चेंज होता जाएगा, कहीं इटालियन, कहीं आपको टर्किश, कहीं आपको इंडियन, कहीं थाई। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे स्ट्रीट के अंदर, आप डूबते जाओगे यहाँ के म्यूज़िक के अंदर और यहाँ की चहल पहल के अंदर। मैसाज के लिए आपको पूछेंगे, बूम बूम शोज के लिए पूछेंगे, तो आप उनसे राय ले सकते हैं या आप कंप्लीट किसी को भी कॉन्टैक्ट करने से पहले प्रॉपर उस चीज़ के बारे में नॉलेज कर लीजिए, प्राइस का पूछिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे की जाती है सभी और कितना आपको पे करना पड़ता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके अंदर लोचा रहता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्कैम फ्रॉड चलते हैं और टूरिस्ट को लूटा जाता है। तो डेफिनेटली आप इन छोटी छोटी बारीक की चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने ट्रिप को सेव कीजिए और अपने आप को सेव कीजिए।
जाना है। और यहाँ चलते चलते आपको जैसे बहुत सारे रशियन क्लब भी मिलेंगे, रशियन गोगो बार्स भी मिलेंगे, तो जहाँ पर आपको रशियन लड़कियाँ प्रोवाइड की जाती हैं और रशियन लड़कियों के साथ आप डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपना ड्रिंक इंजॉय कर सकते हैं एंड इवन उनके साथ पिकअप भी कर सकते हैं अगर वो मानती। जन्नत क्लब के अंदर इट इज वन ऑफ द फेमस, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिकअप पॉइंट एंड बिगेस्ट क्लब इन द वॉकिंग स्ट्रीट। और यहाँ पर आपको इंडियन गानों के साथ मिक्स क्लब फ्यूजन मिलेगा और आप इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ इसकी ये है आपके लिए, अगर आप पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते और आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप लड़कियों के साथ डांस करना चाहते हैं और उनके साथ बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप अंदर आइए विदाउट एनी कॉस्ट। आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। कुछ आपको ड्रिंक्स पीनी है, खाना पीना है, वो आप उसके पे कीजिए, लेकिन अदरवाइज आपको किसी भी चीज़ का पे करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी लड़की को के साथ आपकी सेटिंग रहती है या उससे बातचीत होती है तो ये यहाँ से आप उसे पिक करके अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्लब की तादाद बढ़ती ही चले जाएगी, क्लब, गोगो बार, रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट्स रहते हैं जहाँ पर बैठ के आप एक बियर भी इंजॉय कर सकते हैं एंड आप वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा ले सकते हैं साथ साथ में। तो बहुत ऐसी जगहें हैं वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर जहाँ बिना आप पैसे स्पेंड किए अपनी वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा इंजॉय कर सकते हैं। दिखाते हैं पत्ते वॉकिंग स्ट्रीट की नाइट लाइफ टोनी क्लब के साथ, जहां पे आपको अरेबिक प्लस इंडियन का फ्यूजन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है, क्या ये भी उतना ही रश एंड क्राउडेड है जन्नत की तरह, या आपको यहां पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। करेंगे पत्तिया को फुली एक्सप्लोर, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देखने लायक, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको कल आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए पत्तिया की नाइट लाइफ को एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और चलते चलते आपको स्ट्रीट के अंदर ऐसे कौन छली जिसको बोलते हैं हम, वो आपको खाने को मिलेगी, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में एक छली पकड़िए, साथ में आप एक कोल्ड ड्रिंक पकड़िए और पूरी वॉकिंग स्ट्रीट का नज़ारा लीजिए। सबसे बेस्ट वे वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने का, अगर आप किसी क्लब में नहीं जाना चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते, जस्ट वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो एक अपनी ड्रिंक पकड़िए, चाहे वो बियर है चाहे कोल्ड ड्रिंक है, और इंजॉय कीजिए मज़े से पूरी लेन को। अब
हैप्पी हूँ। कामा क्लब के बाहर, कामा क्लब भी एक इंडियन क्लब है जहाँ पे आप सेम जन्नत की तरह एंड टोनी क्लब की तरह इंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, फन मस्ती कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लड़की अपने साथ पिकअप पॉइंट करके लेके जा सकते हैं। तो ये तीसरा क्लब जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कामा क्लब है जो रास, और ये चौथा क्लब है जो आपको वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर मिलेगा जहाँ जाकर आप अगेन इंडियन गानों के ऊपर डांस कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और अंदर का एम्बियंस आपको लगभग हर किसी का ही सेम मिलने वाला है। तो चलिए लेट्स गो टू रास और बताता हूँ क्या ये भी एकदम रेस्ट ऑफ दी क्लब्स की तरह ही है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट है। तो ये है चार इंडियन क्लब जो मैंने आपको दिखाए, दैट इज जन्नत, टोनी, राज, कामा। तो यहाँ पर आकर आप विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी अपनी फुल नाइट एंजॉय कर सकते हैं और कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। जितना मर्जी चाहे नाचिए, जितना मर्जी चाहे लड़कियों के साथ बात कीजिए, एंजॉय कीजिए। अगर कुछ आप ड्रिंक लेते हैं तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि 3 से 4 गुना रेट रहता है। जो एक नॉर्मल कैन कोक का बाहर 30 रुपए का मिलता है, 40 का मिलता है, यहाँ पे आपको 200 का, 250 का मिलेगा। तो ये ऑब्वियसली एक चीज़ें रहती है यहाँ पर, बट उसके अलावा वो भी आपको फोर्स नहीं करते कि आप ड्रिंक लीजिए। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप आकर चारों के चारों क्लब्स में इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ एकदम एट द एंड ऑफ वॉकिंग स्ट्रीट, और अगर आप कुछ ढंग का खाना चाहते हैं तो मेरे पीछे मैकडी आपको मिल जाएगा, मैकडॉनल्ड्स एट द एंड ऑफ द वॉकिंग स्ट्रीट। तो यहाँ से आप अपना मील अगर चाहते हैं तो इंजॉय कर सकते हैं। और आई थिंक ऑलमोस्ट डन विद द वॉकिंग स्ट्रीट, अभी आगे कुछ नहीं है, बंद है आगे मोस्ट ऑफ द अभी सारा का सारा। अभी वापिस चलते हुए वॉकिंग स्ट्रीट से